जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट मंथ अमेरिका की बोइंग कंपनी ने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें बोइंग के F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर को एक एयरक्राफ्ट कैरियर में यूज किए जाने वाले स्की जंप रैंप से लॉन्च किया गया। आज के इस गार्डिंग इंडिया के वीडियो में हम बोइंग के इस नए टेस्ट को डिटेल में कवर करेंगे और आपको ये बताएंगे कि अमेरिका की बोइंग कंपनी का ये टेस्ट इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बट इससे पहले एक छोटी सी अपडेट, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर। बोइंग के इस टेस्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बताना चाहूंगा। अभी इंडियन नेवी के पास एक ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि INS विक्रमादित्य है और इंडिया का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2021 तक कमीशन हो जाएगा। इन दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर में 26 MiG-29 के मल्टी रोल फाइटर्स होते हैं जिन्हें एक स्की जंप रैम से लॉन्च किया जाता है। INS विक्रमादित्य के स्की जंप रैम को आप वीडियो में भी क्लियरली देख सकते हैं। स्की जंप लॉन्चिंग सिस्टम को हम शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी यानी स्टोबार सिस्टम कहते हैं। स्टोबार सिस्टम को इंडियन नेवी, चाइनीज नेवी और रशियन नेवी यूज करती है। अब बात करते हैं दूसरी तरह के एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम की जिसमें कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी यानी कैटोबर, जिसे US नेवी के निमित्स क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर यूज करते हैं और जिसे चाइना कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। इंडियन नेवी के द्वारा यूज किए जाने वाला स्की जंप सिस्टम के बहुत ही सिंपल डिजाइन होती है जिसकी मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम होती है, लेकिन इसकी एक बड़ी कमी यह है कि स्टोबार एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च किया जाने वाला फाइटर जेट्स US नेवी के निमित्स क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च किए गए फाइटर जेट्स के कंपैरिजन में बहुत कम वेपन और फ्यूल लेकर फ्लाई कर पाते हैं। यानी एक फ्लाइट में US नेवी के फाइटर्स इंडियन नेवी के फाइटर्स से ज्यादा दूर और ज्यादा वेपन्स लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा इंडियन नेवी के MiG-29 के फाइटर्स की एक और प्रॉब्लम है, उनका हाई एक्सीडेंट रेट। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि MiG-29 के रशिया के MiG-29 फाइटर का एक नेवल वर्जन है जो कि सिर्फ इंडियन नेवी और रशियन नेवी की सर्विस में है। एक लैंड बेस्ड फाइटर का नेवल वर्जन होने के चलते MiG-29 का एक्सीडेंट रेट काफी ज्यादा है और अब तक इंडियन नेवी के 3 MiG-29 के फाइटर क्रैश हो चुके हैं जिसमें से लास्ट क्रैश 26 नवंबर 2020 को हुआ था जब इंडियन नेवी का MiG-29 के फाइटर INS विक्रमादित्य से गोवा के INS हंसा नेवल एयर स्टेशन पर आ रहा था। इस क्रैश में MiG-29 के दोनों इंजन फेल हो गए थे और इंडियन नेवी फाइटर पायलट कमांडर निशांत सिंह की डेथ हो गई थी। MiG-29 के कम वेपन लोड और ज्यादा क्रैश रेट को देखते हुए ही इंडियन नेवी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए एक नया फाइटर जेट लेने के लिए सोच रही है और इंडियन नेवी को लगभग 60 नेवल फाइटर्स की जरूरत है। अभी इंडियन नेवी के पास इस टेंडर की रेस में सिर्फ 3 फाइटर हैं जिसमें अमेरिका की लॉकेट मार्टिन कंपनी के F-35 लाइटनिंग सेकेंड स्टील फाइटर, बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर और फ्रांस के राफेल M मल्टी रोल फाइटर्स हैं। लेकिन इन तीनों ही फाइटर जेट्स में किसी ने भी स्की जंप रैम से फ्लाई नहीं किया था जिसे इंडियन नेवी को इनका टेस्ट करने की जरूरत पड़ती और इसीलिए अपने फाइटर जेट को इस रेस में सबसे आगे करने के लिए बोइंग ने अपनी वेबसाइट पर FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 फाइटर को ना सिर्फ इंडियन नेवी के कलर्स में डिस्प्ले किया बल्कि एक कदम और जाते हुए F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर को INS विक्रमादित्य जैसे इसकी रैम से लॉन्च कर दिया जिससे इंडियन नेवी बोइंग के F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर से पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जहां इंडियन नेवी के MiG-29 के फाइटर सिर्फ 5,500 किलोग्राम वेपन से ले जा सकते हैं, वहीं F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर 8,000 किलोग्राम वेपन से लेके जा सकते हैं जो कि MiG-29 फाइटर के वेपन लोड से अप्रॉक्स 30% ज्यादा है। बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर की बाकी फीचर्स आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं और वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आखिर में टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि बोइंग ने F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर को स्की जंप से लॉन्च करके इंडियन नेवी फाइटर रेस में फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली है, लेकिन इंडियन नेवी F-35 स्टील फाइटर्स, F-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल एम में से किसी भी एक फाइटर को सिलेक्ट करती है इसका डिसीजन बाद में ही होगा। लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि जो भी फाइटर सेलेक्ट होगा वो इंडियन नेवी के सभी सर्विलांस प्लेटफॉर्म जैसे कि PAT मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और सी गार्डियन UAV से डेटा लिंक के जरिए लगातार कनेक्टेड रहेगा और इंडियन नेवी की पावर को बहुत बढ़ा देगा।
इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। हम आपके लिए इसी तरह डिफेंस रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है, बिकॉज हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं ये सारे कंटेंट्स को एक साथ लाने में। तो फिर मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।